सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय इस बात पर आधारित है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अवसर मिले और सबके साथ समान रूप से व्यवहार हो। इसी सिद्धांत के ऊपर सामाजिक न्याय आधारित है। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20% से ज़्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं और हम सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना हो, जिससे वो गरीब और होनहार बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें। जो अच्छी जगह नहीं जा पाते, धन के अभाव में, संसाधनों के अभाव में जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, मेरा आपसे आग्रह है कि विधानसभा क्षेत्र खंडेला में एक अनुसूचित जाति जनजाति का आवासीय विद्यालय खोला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें सबको पता है कि अधिक फीस होने के कारण गरीब बच्चे बड़ी जगह पर नहीं जा पाते, वो फीस वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते। और आज जब मैं चर्चा सुन रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भी बहुत से साथियों ने इस पर गंभीर विचार रखे और इस चीज़ को हम सबको, लोगों को, पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठते हुए हमारी एक ऐसी व्यवस्था हो पूरे राजस्थान में, पूरे राज्य में एक ऐसी व्यवस्था हो कि जहाँ पर ये अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं उस अनुपात में उनके लिए एक अच्छे आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो। हमें उन होनहार बच्चों की चिंता करनी चाहिए जिनके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, और जो एक मुख्य बात, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है अलग अलग कक्षाओं में, कॉलेजों में, तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन छात्रवृत्तियों के कारण, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमें रोज कहते हैं हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किस कारण से अटकी हुई है, इसके लिए एक प्रभावी मॉनिटरिंग हो और जो छात्रावास जो चल रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए, उनका भी एक प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था हो जिससे उनमें कैसा काम हो रहा है, इसका हम सबको, उन सबको फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बाबा साहब का आप गुणगान बहुत कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि आपको बाबा साहब के गुणगान से भी अब तकलीफ होने लगी है क्या? आपने उनका नाम लेकर सिर्फ एक अनुसूचित जाति जनजाति के को वोट बैंक समझकर आज तक उनका भला करने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 32 भारत रत्न आज तक मिले हैं देश में, 16 भारत रत्नों को उनको जीवित रहते मिला, माननीय नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी को उनके जिंदा रहते भारत रत्न मिला, लेकिन आप बाबा साहब का नाम लेकर बार बार वोट की राजनीति करते हैं, तो आपने उनको भारत रत्न देने तक का काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया, इसलिए आप कौन से मुझसे वो बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री जी को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा पहलू जो हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर एक बहुत बड़ी, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, ये सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो सैकड़ों लोग हर पंचायत के अंदर आज जिनके पास जमीन नहीं है, बरसों से जिनके पास जमीन नहीं है, जो पिछले 50-60-70 सालों से जमीन के अभाव में सरकारी भूमि या गोचर भूमि पर अपना निवास करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप समाज कल्याण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बना के आप सरकार को भेजें कि जो लोग पिछले 50-60-70 सालों से गांव के अंदर गोचर या सरकारी भूमि पर निवास कर रहे हैं, उनका आबादी नियमन करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि सामाजिक न्याय का सपना, बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिलेंगे। तो जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी सरकार की
तरफ इसका विशेष तौर से ध्यान रखें कि हर जगह, हर पंचायत, हर गांव की एक महत्वपूर्ण विचार करने योग्य बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक मेरे एक पॉइंट पे चर्चा करना चाहता हूं कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे 3 मिनट का समय दीजिए प्लीज। मैंने 1 मिनट समय, अभी मेरा 3 मिनट बचा है, 6 मिनट हो गए। शुभ शक्ति योजना जो एक बहुत बड़ी योजना थी, जिसके माध्यम से गरीब आदमी के बच्चे, बच्चों को शादी के लिए, शिक्षा के लिए, अविवाहित महिला या बेटियों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए 55,000 रुपए दिए जाते थे। और भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, जो एक मजदूरों के और श्रमिकों के कल्याण की बात करने वाले जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत ही जो गहनता से जो बातें सुनते हैं माननीय टीकाराम जूली साहब, आपसे कहना चाहता हूं आपकी सरकार के अंदर पिछले 5 साल के अंदर शुभ शक्ति योजना में एक भी श्रमिक और उसकी बेटियों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया। अगर आपने एक भी व्यक्ति को लाभान्वित किया है तो मैं माननीय आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ बातें करते हैं। मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं, सर इसमें नहीं है, इसी में समाज कल्याण में जुड़ गया, हर सवर्ग की बात आ रही है।